देश में कोरोना महामारी के कारण हर जगह हालात बिगड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर जायजा लेने के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में देश के हॉटस्पॉट राज्य दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हाँ, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मीटिंग में ध्यान दे रहे थे, सुन रहे थे। पिछली बार की तरह नहीं कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और वो बार बार फोन पर मैसेज और कॉल करने में व्यस्त थे। आज उनका ध्यान मीटिंग में था। हालांकि दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर वो किया जिसके लिए वो मशहूर हैं, यानी एड़ा बनकर पेड़ा खाना। प्रधानमंत्री के साथ हो रही मीटिंग, जो कि एक प्रोटोकॉल के तहत लाइव नहीं की जाती, उसको जनाब के ऑफिस से लाइव चलवा दिया गया। लाइव वीडियो में वो बड़ी ही समझदारी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे थे, उन्हें सुझाव दे रहे थे और केंद्र व बाकी राज्यों पर आरोप भी लगा रहे थे। ये सब कुछ लाइव चल रहा था। उनके बोलने का ढंग किसी मीटिंग में बातचीत नहीं, बल्कि एक रैली में भाषण जैसा महसूस करा रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पता चलते ही उन्हें टोक दिया और उस क्लोज डोर मीटिंग को पब्लिक करने पर डांटा भी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने माफी मांगी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को प्रोटोकॉल के बारे में बोला, उसी वक्त केजरीवाल की वो वीडियो ऑफ एयर हो गई। लीजिए, सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को क्या कहा था। मेरा विश्वास है, देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले, जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे।